हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शाहिद। आप देख रहे हैं शाहिद इलेक्ट्रिक टिप्स यूट्यूब चैनल। आज हम साइट पे आए हुए हैं। ये 15 kV अल्टरनेटर है, इसी को हम बनाने वाले हैं। ये लोड पर करंट बैठा रहा है, तो देख लेते हैं इसमें क्या कमी है। पहले हम ये खोल लेते हैं ढक्कन इसका। ढक्कन खोलने के बाद हम देखते हैं इसमें क्या जला हुआ है, किस वजह से ये वोल्टेज नहीं निकाल रहा है, इसी को देखने वाले। अंदर से जो न्यूट्रल बना हुआ है स्टेटर का, उसी में कुछ तारें कटी हुई हैं, तो इसको हम मिलाकर जॉइंट लगा लेते हैं अच्छी तरीके से। इसमें कसा था खुट्टी में, और ये तार न्यूट्रल बना हुआ था। तो पहले हम उल्टी वायर की मदद से इसको जॉइंट लगा लेते हैं। जॉइंट लगाने के बाद हम चेक करते हैं कि लोड हमारा ले रहा है कि नहीं ले रहा है। अगर ले रहा होगा तब तो ठीक है, वरना फिर हम दूसरी कमी देखते हैं इसमें क्या कमी निकलती है। पहले हम इसका जॉइंट लगा लेते हैं। 6 mm उल्टी वायर है, डबल करके हम न्यूट्रल बना रहे हैं इसको। जॉइंट हमारा लग चुका है। अब पहले हम इसी तरीके से चेक कर लेते हैं, फिर इसमें स्लीबिंग वगैरह लगाते हैं। पहले लोड पर हम चेक करते हैं लोड हमारा ले रहा है कि नहीं ले रहा। अल्टरनेटर अच्छी तरीके से लोड लेने लगा है, बिल्डिंग मशीन का लोड चला रहा है बहुत अच्छी तरीके से। वोल्टेज हम चेक कर लेते हैं कितना है इसमें। लोड पर वोल्टेज दे रहा है 180-90 वोल्टेज है इसका, बहुत अच्छी तरीके से काम कर रहा है। तो इसको हम बांध देते हैं इस जिस तरीके से बंधा हुआ था, और छोटी सी फॉल्ट थी इसमें,